दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से ना सिर्फ बॉलीवुड या फिर उनके फैंस बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक हर किसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी हां, आपको बता दूं कि मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था। आपको बता दूं कि जिस समय इरफान ने अंतिम सांस ली उस वक्त वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से घिरे हुए थे। इरफान कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि आखिरी समय में उनका पूरा परिवार उनके साथ रहे। आपको बता दूं कि इरफान के निधन की जानकारी के बाद बॉलीवुड से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी जी ने ट्वीट कर लिखा, इरफान खान का निधन भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड की दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों प्रशंसकों के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। वही दोस्तों, राहुल गांधी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने लिखा, इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता, वह वैश्विक फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एम्बेसडर थे। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। अब दोस्तों, इरफान खान के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें। और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।